हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म है नेवर लेट मी गो। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है 1952 में मेडिकल जगत को काफ़ी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मानव जीवन को 100 साल से आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई है। साल है 1994। हम एक लड़की को ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा देखते हैं। उसका नाम कैथी है और वो 28 साल की है। उसने इस हॉस्पिटल में 9 सालों तक केयरर का काम किया है। सामने एक शख्स लेटा हुआ है। वो शख्स कौन है और कैथी उसके लिए इतना क्यों दुखी है, इसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। साल है 1978। हम एक बोर्डिंग स्कूल देखते हैं जिसका नाम हिलशम है। ये एक तरह का ऑर्फनेज है। वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं, ये कैथी है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, और वहाँ उसके दोस्त टॉमी और रूथ भी हैं। वहाँ की जो केयर टेकर थी उसका नाम मिस एमिली है। वो बताती है कल उसे बाहर 3 जले हुए सिगरेट मिले थे और वो नहीं चाहती कि कोई बच्चा ऐसी हरकत करे जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़े। हेलशम में हर बच्चे के स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। अगले सीन में हम कैथी और रूथ को बाहर बैठा हुआ देखते हैं। रूथ के अपने बड़े बड़े सपने थे और वहीं कैथी बिल्कुल उससे अलग, काफ़ी शांत और हेलशम में सबसे ज़्यादा समझदार लड़की। उस दिन हेलशम में एक नई टीचर आई थी, उसका नाम मिस लूसी है। सभी बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। हम देखते हैं बॉल फेंस के बाहर चली जाती है, पर टॉमी उस बॉल को लाने नहीं जाता है। मिस लूसी ये सब देख रही थी। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि टॉमी चाहता तो बॉल जाकर ला सकता था। लूसी चेंजिंग रूम में आती है। वो पूछती है कि टॉमी उस बॉल को लाने क्यों नहीं गया। कैथी बताती है वो फेंस हेलशम की बाउंड्री है, उसे कोई भी पार नहीं कर सकता। सब बताते हैं बाहर काफ़ी खतरा है। एक बार एक लड़का बाउंड्री से बाहर चला गया था, दूसरे दिन पेड़ से लटकी उसकी लाश मिली थी। लूसी को ये बातें थोड़ी अजीब लगती है। लूसी को पता था ये कहानियाँ किसी ने इनके मन में डर बैठाने के लिए बनाई है, ताकि कोई इस ऑर्फनेज से बाहर ना जाए। दूसरे दिन जब टॉमी ड्राइंग कर रहा होता है तो कुछ लड़के उसे बुली करने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। रूथ भी सबके साथ उसका मजाक बनाती है और उस पर हंसती है। टॉमी के साथ हर जगह ऐसे ही होता था, चाहे वो क्लासरूम हो या प्लेग्राउंड, वहाँ कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था और कभी कभी वो काफ़ी दुखी हो जाता। रूथ उसकी इस हालत का मजाक उड़ाती थी, पर कैथी को उसके लिए काफ़ी दुख होता है। वो उसके पास जाती है, पर उस वक्त टॉमी काफ़ी गुस्से में था। उसका हाथ गलती से कैथी को लग जाता है। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। टॉमी फिर वहाँ से चला जाता है। मिस लूसी टॉमी को अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है। उसी दिन कैथी मिस लूसी के ऑफिस में आती है। वो जानना चाहती थी कि वो टॉमी से क्या बात कर रही थी। लूसी बताती है वो बस टॉमी को कम्फर्ट कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी उदास था। दूसरे दिन कैथी देखती है टॉमी लंच के लिए अकेले बैठा है, तो वो उसके साथ जाकर बैठ जाती है। वो कल की बात के लिए उससे माफ़ी मांगता है। कैथी कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। कैथी को टॉमी के साथ वक्त बिताना काफ़ी अच्छा लगता था। क्लासरूम हो या स्कूल सिनेमा, वो बस टॉमी को ही देखती रहती थी। रात रूथ बताती है टॉमी अब काफ़ी बदल गया है। कैथी को लगता है शायद अब रूथ भी उसे पसंद करने लगी है। दूसरे दिन हेलशम में आर्टवर्क कॉम्पिटिशन रखा गया था। जिसका आर्ट सबसे अच्छा होगा उसके आर्ट को गैलरी में लगाया जाएगा और उन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा। उसी दिन वहाँ एक महिला आई थी जो कि गैलरी से थी, उसे बस लोग मदाम के नाम से जानते थे। हम देखते हैं प्राइज दिए जा रहे थे, पर मिस लूसी काफ़ी उदास थी। कैथी बाहर बैठी होती है, टॉमी उसके पास आता है। वो उसे एक म्यूज़िक कैसेट देता है, कैथी काफ़ी खुश होती है। शाम वो उस कैसेट को सुनने लगती है, अब वो टॉमी को पसंद करने लगी थी। दूसरे दिन जब सब क्लास में बैठे होते हैं तो मिस लूसी सभी को बताती है तुम सबका भाग्य तय है और उन्हें एक मकसद के लिए यहाँ रखा गया है, ताकि वो बड़े होकर अपने ऑर्गन को डोनेट कर सके और उसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। यहाँ हमें पता चलता है हेलशम के सभी बच्चे क्लोन हैं। इनके जो ओरिजिनल्स हैं वो इनके जवानी तक का सारा खर्चा उठाते हैं, ताकि ये बच्चे बड़े होकर उन्हें अपने ऑर्गन डोनेट कर सके। इसी तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके इंसान 100 साल से भी ज़्यादा जीता है। ये कहते हुए मिस लूसी काफ़ी भावुक हो जाती हैं, पर कैथी और बाकी बच्चों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उन्हें लगता है शायद ज़िंदगी इसी तरह से होती है। अगले दिन मिस लूसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मिस एमिली बताती है कोई मिस लूसी की बातों पर ध्यान न दे। इसी तरह से वक्त बीत रहा था। कैथी देखती है टॉमी और रूथ के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। उसे ये देख काफ़ी दुख होता है क्योंकि रूथ टॉमी को कभी पसंद नहीं करती थी। कैथी ने टॉमी को अपने दिल की बात बताने में देर कर दी थी। वहाँ से 7 सालों का वक्त बीत जाता है। साल है 1985। हम देखते हैं कैथी, रूथ और टॉमी अब बड़े हो चुके हैं। टॉमी और रूथ अब भी रिलेशन में हैं और उन्हें अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। वो एक फार्म है जहां उन्हें कॉटेज में रहना है।
सिर्फ उन्हें दिन में फार्म से निकलने की इजाज़त थी और शाम होते उन्हें फिर से वहाँ आ जाना है। उस फार्म पर दो लोग और थे, उनका नाम रॉडनी और क्रिसी था, जो हेल्शम के फार्मर स्टूडेंट्स हैं। तीनों उनके ही साथ रह रहे थे। वहाँ और भी स्टूडेंट्स थे जो हेल्शम से थे। दूसरे दिन कैथी और टॉमी वॉक पर चले जाते हैं। रूथ को ये देख अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन रूथ कैथी के कमरे में आती है। वो बताती है, रॉडनी और क्रिसी कल शहर गए थे और वहाँ उन्होंने मेरी जैसी एक लड़की को देखा। जैसा कि हम जानते हैं, हेल्शम के सभी बच्चे क्लोन हैं। और दूसरे दिन सभी गाड़ी में बैठ के शहर की तरफ निकल जाते हैं। वो सब एक कैफ़े में जाकर बैठते हैं, पर वो तीनों ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, तो रॉडनी सबके लिए ऑर्डर करता है। वो बताता है, मैंने ऐसे रूमर्स सुने हैं, अगर कोई कपल रिलेशन में है तो वो ऑर्गन डोनेशन से बच सकता है, पर उन दोनों को किसी तरह से साबित करना होगा कि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्रिसी उनसे पूछती है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, इसके लिए हम किससे बात कर सकते हैं? क्योंकि रॉडनी और क्रिसी एक दूसरे के साथ और वक्त बिताना चाहते थे और वो एक दूसरे के प्यार में थे। कैथी कहती है, ऐसे कई सारे रूमर्स हैं हेल्शम में, पर ये सच नहीं है। वो वहाँ उस ऑफिस के बाहर जाते हैं जहाँ रॉडनी ने रूथ की हमशक्ल को देखा था, पर वो गलत था। वो रूथ जैसी बिल्कुल नहीं थी। रूथ इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है कि वो सब बस एक क्लोन है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। कैथी को उसके लिए काफ़ी दुख होता है। शाम कैथी और टॉमी वही डेक पर बैठे समुंदर को देख रहे थे। आसपास एक खामोशी बिखरी हुई थी। उसके बाद वो सब फार्म पर लौट जाते हैं। तीनों अपने अपने दुख को लेकर काफ़ी परेशान थे। सुबह टॉमी और कैथी वॉक पर जाते हैं। टॉमी उसे बताता है, हेल्शम में जो आर्ट कॉम्पिटिशन होता था, वो सभी आर्ट्स को गैलरी में ले जाते थे। शायद उस आर्ट के जरिए वो किसी की आत्मा में झांक सकते हैं और उन्हें पता चल सकता है मेरे और रूथ के सच्चे प्यार के बारे में। और मैं सच कह रहा हूँ, शायद इसका पता उन्हें चल जाए, शायद तब हम ऑर्गन डोनेशन से बच सकते हैं। पर कैथी कहती है, ये बेकार की बातें हैं। मिस लूसी ने पहले ही बताया था कि उस आर्ट कॉम्पिटिशन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कैथी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि रूथ उससे सच्चा प्यार नहीं करती। रात हम देखते हैं, टॉमी और रूथ इंटीमेट हो रहे हैं। यहाँ कैथी खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। वो टॉमी द्वारा दी हुई कैसेट को सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद रूथ उसके कमरे में आती है। वो कैथी को बताती है कि टॉमी उसे एक दोस्त से ज़्यादा और कुछ नहीं समझता, और वो कैथी के अकेलेपन का मजाक बनाती है। इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाती है। यहाँ रूथ और कैथी के बीच दोस्ती ख़त्म हो जाती है। दूसरे दिन वो फार्म छोड़ देती है। फार्म से जाते वक्त कैथी की आंखें नम थीं। कैथी ने केयरर के लिए अप्लाई कर दिया था। केयरर वो होते थे जो ऑर्गन डोनर की देखभाल करते हैं। अगर कोई डोनर डोनेशन से मना कर देता था तो केयरर उन्हें डोनेशन के लिए कन्विंस करते थे, और जब तक वो केयरर का काम करेगा तब तक उसे ऑर्गन डोनेशन नहीं करना होगा। कैथी के जाने के बाद टॉमी और रूथ का रिलेशन भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद से हम साल 1994 का दृश्य देखते हैं। 9 साल बीत गए हैं, तब से कैथी ने टॉमी और रूथ को नहीं देखा है। कैथी वहीं शहर के एक अपार्टमेंट में रहती है और नेशनल डोनर प्रोग्राम में काम करती है, जहां डोनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। कैथी ने अपने 9 सालों के कार्यकाल में काफ़ी डोनर्स को मरते देखा है। शाम कैथी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर होती है। वहाँ उसे कंप्यूटर में रूथ की फ़ोटो दिखाई देती है। कैथी के पूछने पर नर्स बताती है, रूथ ने अब तक 2 डोनेशन कर दिया है। कैथी उस वार्ड में जाती है जहाँ रूथ एडमिट थी। वो देखती है 2 डोनेशन के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। वहाँ कैथी को देख रूथ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहाँ रूथ बताती है कि टॉमी ने भी अब तक 2 डोनेशन कर दिए हैं, पर वो ठीक है। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं कैथी रूथ के पास बैठी है। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए कैथी उसका ख्याल रख रही थी। रूथ कहती है, हमें एक शॉर्ट रोड ट्रिप करना चाहिए ताकि सभी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। कैथी को भी ये सुझाव काफ़ी पसंद आता है। रूथ टॉमी को भी अपने साथ ले चलने के लिए कहती है, क्योंकि कॉटेज के बाद से उसने भी टॉमी को नहीं देखा है। कैथी भी टॉमी से मिलने को काफ़ी उत्साहित थी। टॉमी किंग्सफील्ड रिकवरी सेंटर में था। वहाँ कैथी और रूथ आ जाते हैं। इतने दिनों बाद कैथी को देख टॉमी उसे गले लगा लेता है। रूथ टॉमी को देख भावुक हो जाती है। वहाँ से वो तीनों एक बीच पर चले जाते हैं, मानो जैसे हेल्शम वाला वक्त खुद को एक बार फिर से दोहरा रहा हो। तीनों एक साथ बैठे अपने उन्हीं दिनों को याद कर रहे थे। टॉमी बताता है, उसने ऐसे कई लोगों को देखा जिनकी पहले ही डोनेशन में मौत हो गई। रूथ वहाँ कैथी से माफ़ी मांगती है कि उसने टॉमी को उससे अलग कर दिया था। वहाँ वो कन्फेस करती है कि उसे टॉमी से कभी प्यार था ही नहीं, उसने बस टॉमी से इसीलिए रिलेशन बनाया था क्योंकि वो अकेलेपन से डरती थी। वो हमेशा से ही कैथी से जलिस थी क्योंकि कैथी टॉमी से सच्चा प्यार करती थी और उसके पास अपना कोई नहीं था, पर वो अब सब ठीक करना चाहती है।
कैथी कहती है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। रूथ कहती है वो दोनों अपने सच्चे प्यार को साबित करके इस डोनेशन से बच सकते हैं। रूथ उन्हें मदाम का एड्रेस देती है। मदाम वही महिला थी जो आर्ट कॉम्पिटिशन के वक्त हेल्शम में आती थी, जो बच्चों की आर्ट्स को आर्ट गैलरी में ले जाती थी। हॉस्पिटल में टॉमी कैथी को अपनी बनाई हुई स्केचेस दिखाता है। ये सभी स्केचेस उसने कॉटेज से लेकर अब तक बनाए थे। टॉमी को यकीन था कि इस आर्ट को देखकर मदाम उसके सच्चे प्यार को पहचान जाएगी और उनका डोनेशन रुक जाएगा। रात कैथी हॉस्पिटल में उसके पास ही रुक जाती है। कैथी उसके लिए नोवेल रीड कर रही थी, पर वो कैथी को ही देख रहा था। अब उसे अपने लिए कैथी के प्यार का पता था। उस रात टॉमी पहली बार कैथी को किस करता है। दोनों उस लम्हे को अपनी यादों में कैद कर लेना चाहते थे। उस रात मानो वक्त रुक गया था दोनों के लिए। दूसरे दिन हम देखते हैं कैथी रूथ के पास आती है। आज उसका तीसरा डोनेशन है। हम देखते हैं डोनेशन के बाद ऑपरेटिंग टेबल पर रूथ की मौत हो जाती है। यहाँ दूसरे दिन दोनों मदाम के घर आते हैं। कैथी उसे अपने बारे में बताती है कि हम हेल्शम से हैं। टॉमी अपने सभी स्केचेस ले आया था। मदाम उन्हें भीतर बुलाती है। वहाँ वो मदाम को अपने प्यार के बारे में बताते हैं और उन्होंने सुना है कि अगर दो लोग रिलेशन में हो तो उनका डोनेशन रुक सकता है। वहाँ मिस एमिली भी आ जाती है। वो बताती है ऐसी कोई चीज़ सच में मौजूद नहीं है और ये आर्ट्स वर्क कुछ काम के नहीं है। इस आर्ट वर्क को बनवाने का मतलब बस ये जानना था कि सभी एक इंसान है। वहाँ टॉमी और कैथी को पता चल जाता है डेफरल जैसी कोई चीज़ नहीं है, यानी वो डोनेशन से नहीं बच सकते। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ टॉमी अपने सभी आर्ट्स वर्क को समेट लेता है। रात जाते वक्त टॉमी बीच रास्ते में कैथी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो गाड़ी से उतरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कैथी उसका ये दुख नहीं देख पाती। वो उसे गले लगा लेती है। शायद अब उनका सफ़र यहीं तक का था। दूसरे दिन हम देखते हैं आज टॉमी का तीसरा डोनेशन है। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। आखिरी बार टॉमी कैथी को देख मुस्कुराता है। कैथी को हेल्शम के बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं जो उन दोनों ने साथ बिताए थे। उसे याद कर उसकी आँखें नम हो जाती हैं। टॉमी को गुजरे हुए अब 2 हफ्तों का वक्त बीत चुका है। कैथी का अगले महीने में पहला डोनेशन है। उसे अपना ज़्यादा वक्त तो टॉमी के साथ बिताने नहीं मिला था, पर जितने भी पल उसने बिताए थे वो सभी खूबसूरत थे। आखिरी में वो सोचती है क्या उसका भाग्य वास्तव में उसके अंगों को पाने वाले लोगों से अलग है। आखिरकार हम सभी सामान्य हैं और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि कैथी ने कहा था, हम सब सामान्य हैं और सबको ही एक दिन मरना है, और यही सच है। चाहे वो इंसान हो या क्लोन, सबकी मौत निश्चित है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।